अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सबके साथ शादियों और दावतों में बनने वाली दानेदार मटन कोरमा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनता है दोस्तों, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है, तो आइए फिर फटाफट से देख लेते हैं इस मटन कोरमा को कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए यहाँ गैस से मैंने एक कुकर चलाया है और इसमें डाल दिया है आधा कप ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे 4 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग, 10 से 12 काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा है और 2 तेज़पत्ता। और मसाले के क्रैकल होते ही हम इसमें डालेंगे मटन। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो मटन लिया है, अच्छे से इसे वॉश कर लिया है। इसको डालने के बाद गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे हम इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि जो मटन का पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता। 3 से 4 मिनट तक हमने इसे अच्छे से भून लिया है। अब इसमें डाल देते हैं हम अदरक लहसुन का पेस्ट, वो भी मटन के साथ अच्छे से भून जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। डालने के बाद 3 से 4 मिनट हम इसे और अच्छे से भून लेंगे। तो अदरक लहसुन को डालने के बाद भी हमने इसे अच्छे से भून लिया है। तो अब कुछ सूखे स्पाइसेस डाल देते हैं, जिसमें सबसे पहले डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए हमें डाला है, इसे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिला देंगे। 2 से 3 मिनट और हम इसे अच्छे से भून लेते हैं मसालों के साथ। तो मसालों के साथ हमने इसे 3 से 4 मिनट और भून लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं दही। तो यहाँ पे मैंने आधा कप दही लिया है, अच्छे से बीट करके इसको डाल दिया है। दही को डालते वक्त गैस के फ्लेम को हमने एकदम लो कर दिया था। जब सारी अच्छे से मिला लेंगे सारी चीज़ों को, उसके बाद हम गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे। तो अच्छे से हमने मिला लिया है इसे। तो अब हम इसमें डाल देते हैं आधा कप पानी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हमने दही भी डाला है, वो भी पानी रिलीज़ करेगा। आधा कप पानी डाल देंगे और कवर करके इसे 2 सीटी हाई फ्लेम पे और 10 से 12 मिनट हम इसे लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये पक रहा है हम एक खुशबूदार मसाला बना लेते हैं। इसके लिए 4 छोटी इलायची हमने लिया है, 1 जावित्री का टुकड़ा है, थोड़ा सा जायफल का टुकड़ा है, 2 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा है। साथ ही हमने 2 बड़े साइज़ का प्याज लिया था, उसका बरिस्ता बना लिया है और इसको हमने हाथों से क्रश कर लिया है। एक तरफ हमने लिया है 10 से 12 काजू, इसको कुछ देर पहले हमने भिगो दिया था और उसका हमने पेस्ट बना के इसे भी साइड पे रख दिया है। तो अच्छे से हमने 10 से 12 मिनट इसे लो फ्लेम पे अच्छे से पका लिया है। चलिए खोल के देखते हैं। तो इतने देर में हमारा जो मटन है अच्छे से गल गया होगा। तो 2 से 3 मिनट हम इसे हाई फ्लेम पे और अच्छे से भून लेते हैं। और अब डाल देते हैं इसमें बरिस्ता, जो हमने फ्राई करके प्याज को रखा था, हाथों से क्रश करके हम इसमें डालेंगे। इससे दानेदार टेक्सचर आता है। आप चाहें तो इसको ग्राइंडिंग जार में भी ग्राइंड कर सकती हैं। डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे। और अब डाल देते हैं काजू का पेस्ट। इसे डालने से ये बहुत ही रिच और क्रीमी बनता है, इसका जो ग्रेवी होता है बहुत ही टेस्टी बनता है। डालने के बाद इसे अच्छे से मिला दीजिए। अब डाल देते हैं इसमें जो मैंने खुशबूदार मसाला बनाया था, उसको 1 टीस्पून डाल देंगे और थोड़ा मसाला हम बाद में डालेंगे। तो अभी जो देखिए टेक्सचर कितना अच्छा आ गया है। इतनी देर में हमारा गोश्त भी अच्छे से गल गया होगा। ये देखिए अच्छे से कट रहा, बहुत अच्छे से गल गया है। थोड़ा बहुत जो कसर है हम इसे अभी दम पे देंगे तो और भी अच्छे से गल जाएगा। साथ ही ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून केवड़ा वाटर, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और एकदम शादी और दावतों वाला हमारा कोरमा बन के तैयार होगा। डालने के बाद इसे अच्छे से मिला देंगे। और थोड़ा सा पानी हम इसमें डाल देंगे, इसमें हमने काजू को ग्राइंड किया था, उसमें 1/4 कप पानी डालकर डाल देंगे। अच्छे से एक बार स्टर कर देते हैं
और अब ढक देते हैं और ढक कर इसे लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो लो फ्लेम पे एकदम हमने 10 मिनट इसे और पका लिया है। इसका टेक्सचर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त आ गया है। एक हमारा बहुत ही टेस्टी मटन कोरमा बन के तैयार है। एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। देखिए कितना ज़बरदस्त, कितना दानेदार ये बना है। तो एक बार इस मेथड से ज़रूर बनाइएगा, बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसे आप इसे तंदूरी रोटी, रुमाली रोटी, चावल किसी के साथ भी खाइए, सभी के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा। ऊपर से हमने बचा हुआ गरम मसाला डाल दिया है। देखा आपने इसे बनाना कितना आसान है। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।